24 का सफर, हैट्रिक की बारी आई, एक्टिव हुए दिग्गज, नेताओं का जोश हाई। 2024 में 25 सीटों के लिए महासंग्राम, सियासी घमासान, हैट्रिक का प्लान। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बीजेपी को एक बार फिर से जीत का एहसास करा रहा है, इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सिंह गर्जना कर रहे हैं और विरोधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी का हर नेता प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतने का दावा कर रहा है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा हर सीट को 5,00,000 वोटों से जीतने की गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं मझधारों में डूबना साहस को कभी स्वीकार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप से राजस्थान में लगातार दो बार से 25-25 सीट आ रही है, अब की बार 25 सीट आएंगे, लेकिन वो आएंगे हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5,00,000 से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा। बता दें 2019 के चुनाव में राजस्थान के मतदाताओं पर मोदी का जादू सर चढ़कर बोला था, बीजेपी और उसके एक सहयोगी दल की जीत का औसत 3,00,000 वोटों से ऊपर रहा था। ऐसे में इस बार बीजेपी इस अंतर को और बढ़ाने की तैयारी को लेकर चुनावी रण में भी जी जान लगा रही है। बीजेपी को चुनाव हराना या कम वोटों से जीतना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उसकी तैयारी विपक्ष को चारों खाने चित करने की है और इसीलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2024 के महासंग्राम में विजय धुंधुबी बजाकर कमल खिलाने के लिए विरोधियों को ललकार रहे हैं। कर पांच जनी से सियानाद, विजय धुंधुबी बजने दो, दसों दिशाओं में गूंज उठे, फिर कमल, फिर फसल कमल की खिलने दो, इस विधेय के साथ हम सब लोग जाएंगे। बीजेपी महज 44 साल पुरानी पार्टी है तो वही कांग्रेस 139 साल। बीजेपी की अंत्योदय की सोच ने उसे जन जन की पार्टी बना दिया है तो कांग्रेस की लगातार होती खस्ता हालत उसके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि अटल अडवाणी का संघर्ष पथ अब मोदी युग में विजय पथ बन चुका है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपने सारे अस्त्र और शस्त्र मैदान में झोंकती नजर आ रही है। राजस्थान के योगदान में कहीं कमी न रह जाए, इसीलिए प्रदेश के नेता कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए आम चुनाव युद्ध से कम नहीं है, किसी भी वक्त चुनाव की रणभेरी बन सकती है और उससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता योद्धा बन चुनाव को फतह करने की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं और नेता जय घोष के नारे लगा रहे हैं। जाहिर है पार्टी का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही उसकी जीत की गारंटी बन रहा है और मोदी का चेहरा उसके लिए जीत का सबसे बड़ा आधार। देखना यही है कि बीजेपी क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें जीत पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। 9 मार्च को आरसीए के एसडीएम की मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग केएल सैनी स्टेडियम में दोपहर को 1 बजे बुलाई गई और इसके लिए सभी जिला संघों को सूचित किया गया है। वैभव गहलोत के इस्तीफे के साथ ही अब आरसीए में धनंजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे थे, क्योंकि इस रेस में पराक्रम सिंह और मुकेश शाह का नाम भी चर्चाओं में बना रहा, लेकिन एजीएम की तिथि के निर्णय के साथ ही ज्यादातर जिला संघों में फिलहाल धनंजय सिंह के नाम पर अपनी रजामंदी दी है और इस कारण से धनंजय को आरसीए के अगले नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त 2022 में धनंजय सिंह का नागौर जिला संघ से भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ था।
युवा धनंजय सिंह अब आरसीए की कमान संभाल सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको मौका मिल सकता है और इसे लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी की बैठक लगातार जारी है, शुरू हो गई है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग रही है। इसके बाद आपको बता दें कि कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 60 सीटों को लेकर के मंथन हुआ है जिसमें अमेठी रायबरेली भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के, और इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है जो सीईसी के सदस्य हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है, मंथन हो रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि 60 सीटों को लेकर के पहले दौर में मंथन हुआ है। सीईसी में चर्चा 60 सीटों पर पहले हो सकती है और इसमें अमेठी रायबरेली सीट पर आज चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है और इसके बाद यह माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे से पहली लिस्ट का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो 60 सीटों पर इसमें चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ अमेठी और रायबरेली इसमें शामिल नहीं है। ये दोनों सीटें गांधी परिवार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो चलिए खबरें